हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम खान और आप देख रहे हैं मजेदार कॉलेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे पहला 1.1 मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, 1.2 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, 1.3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 1.4 कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जिसके अंदर आता है टी यू एंड एम यू यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, 1.5 रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, 1.6 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू विद इट्स असम्पशन एंड एक्सेप्शन। उसके बाद 1.7 क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और 1.8 रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ये होगा लेक्चर नंबर 2। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू ये होगा लेक्चर नंबर 3। उसके बाद लॉ ऑफ डीएमयू उसका असम्पशन एक्सेप्शन ये होगा लेक्चर नंबर 4। क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू ये होगा लेक्चर नंबर 5 और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ये होगा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, अब इसमें हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे चिल्ड्रेन। ठीक है, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। सी, जनरली यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखो, वैसे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस ऑफ ए कमोडिटी, है ना, कमोडिटी की यूजफुलनेस क्या, उसे यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई कमोडिटी किसी की वांट को सेटिस्फाई कर देती है उसे कहते हैं यूटिलिटी। ओके, जब किसी कमोडिटी के पास इतना पावर होता है कि वो किसी की वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, उसे कहेंगे यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। ओके, देखो, इन अदर वर्ड्स अ कमोडिटी सेट टू पोसेस यूटिलिटी इफ इट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो यूटिलिटी कब होगी कमोडिटी की, जब उस वो कमोडिटी क्या करेगी, उस ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर देगी। आपको पता है कि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है, हमें किसी ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसी कोई कमोडिटी जो हमारी चीज़ को, जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे, वो बन जाएगी यूटिलिटी उस चीज़ की। ठीक है, क्या समझाया मैंने बताया कि कमोडिटी जिसके पास पावर है, क्या, किस बात का पावर, कि वो हमारी ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, उसे हम कहेंगे यूटिलिटी। आई बात समझ में, पक्का? एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर हंग्री पर्सन फूड हैज द पावर टू सेटिस्फाई हिज हंगर, सिमिलरली अम्ब्रेला एंड रेनकोट हैज यूटिलिटी इन रेनी सीजन, है ना। अब हंग्री आदमी है, भूखा इंसान, तो उसके लिए कौन सी कमोडिटी होगी जो उसकी वांट को या उसकी हंगर को सेटिस्फाई कर सके, वो होगी फूड। फूड के पास क्या है, फूड के पास पावर है कि वो उसकी हंगर को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। तो फूड उसके लिए क्या बन जाएगा, यूटिलिटी बन जाएगा। वहीं बारिश के सीजन में हमारे लिए यूटिलिटी का काम कौन करेगा, अम्ब्रेला और रेनकोट, है ना। तो अम्ब्रेला और रेनकोट के पास यूटिलिटी है कि वो क्या कर सके, रेनी सीजन में हमें प्रोटेक्ट कर सके रेन से, राइट। तो ऐसी कोई कमोडिटी जिसके पास पावर है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसे कहेंगे हम यूटिलिटी। आई बात समझ में? चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विलियम स्टैनले जी वांट्स, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो विलियम स्टैनले जी वांट्स, जिसे हम स्टैनले जी वांट्स भी बोलते हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, उन्होंने भी वही बताया कि यूटिलिटी क्या, एक कैपेसिटी मतलब एक पावर है कमोडिटी की कि वो हमारे ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, है ना। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्लियर हो गया, आई बात समझ में? ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझाता हूं चिल्ड्रन। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, है ना, आप एग्जाम लिख रहे हो, पेपर लिखना चाहते हो, तो आपके लिए यूटिलिटी किस चीज की होगी, पेन की। तो पेन आपके लिए वो टाइम पे किसका काम करेगा, यूटिलिटी का काम करेगा, राइट। क्योंकि आपकी वांट क्या है वो टाइम पे, कि आपको लिखना है, तो लिखने के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ऐसी कमोडिटी जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसे कहेंगे हम यूटिलिटी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, सबसे पहला पॉइंट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब यूटिलिटी जो है ना चिल्ड्रन, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटेड है टाइम से और प्लेस से। सी, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी हमेशा टाइम और प्लेस से क्या होती है, रिलेटेड होती है। ये टाइम से और प्लेस से क्या करती है, डिफर करती है। टाइम टू टाइम भी डिफर होती है और प्लेस टू प्लेस भी ये डिफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल कवर इज इंक्रीज इन रेनी सीजन,
सिमिलरली वुलन क्लोथ हैव मोर यूटिलिटी इन कश्मीर देन इन मुंबई, है ना। तो देखो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है चिल्ड्रन टाइम का। तो देखो जब रेनी सीजन आता है तो हमारे लिए मोबाइल कवर की जो जरूरत है चिल्ड्रन वो कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ताकि हम क्या करें मोबाइल को प्रोटेक्ट करके रख सकें, है ना। तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी। अगर समझो मैं समर सीजन में भी इसको यूज करूंगा तो क्या इतनी मेरे को यूटिलिटी लगेगी मोबाइल कवर की, नहीं है ना, अम्ब्रेला की, रेनकोट की, क्या समर सीजन में इतनी उसकी यूटिलिटी रहेगी, नहीं। लेकिन जब टाइम आएगा, जब रेनी सीजन आएगा, है ना, तब क्या होगा उसकी यूटिलिटी कैसी होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया रिलेटेड टू टाइम। अब प्लेस से रिलेटेड किस तरह से होगी, सी वुलन क्लोथ की सबसे ज्यादा जरूरत क्या होगी चिल्ड्रन, कश्मीर में होगी कि मुंबई में होगी, कश्मीर में ज्यादा होगी, राइट, आई बात समझ में, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूटिलिटी रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। तो टाइम का मैंने एग्जाम्पल दिया कि यूटिलिटी ऑफ मोबाइल कवर इज इंक्रीज इन रेनी सीजन, राइट, तो ये था रिलेटेड विद टाइम। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने वुलन क्लोथ हैव मोर यूटिलिटी इन कश्मीर देन इन मुंबई, तो ये किसका एग्जाम्पल था, प्लेस का, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद प्लेस ऑल्सो, आई बात समझ में। तो यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है टाइम से और प्लेस से, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। क्या सबके लिए यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी सेम ही होगी चिल्ड्रन, नहीं, हर किसी के लिए अलग अलग होगी, सबके लिए सेम नहीं होगी ये। देखो फॉर एग्जाम्पल चौक हैज यूटिलिटी फॉर टीचर्स नॉट फॉर द स्टूडेंट, है ना। अभी मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए चौक और मार्कर की ज्यादा यूटिलिटी रहेगी, लेकिन आप स्टूडेंट है तो क्या आपके लिए भी उसकी इतनी जरूरत होगी, नहीं होगी, या हो सकता है उसकी जरूरत ही ना हो आप लोग को, राइट। तो इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब हो सकता है कि जिसके लिए बनाया गया उनके ही ये काम में है, ठीक है। इसीलिए यूटिलिटी जो है कमोडिटी की वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग है और वो पर्सन टू पर्सन से भी डिफर करती है, आई बात समझ में, है ना। अब जैसे एक और एग्जाम्पल दू तो स्टेटोस्कोप देखा आपने जो डॉक्टर के पास होता है, राइट, तो क्या उसकी जरूरत किसी और को पड़ेगी सिवाय डॉक्टर के, नहीं, डॉक्टर को ही उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। असल लेमैन या आम आदमी को जरूरत पड़ने वाली उसकी, नहीं पड़ने वाली। तो ठीक है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जिसके लिए बनाया गया हो उसी को उसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कहा गया है कि जो यूटिलिटी है कमोडिटी की वो इंडिविजुअल्स की सेम नहीं हो सकती, ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन होगी, आई बात समझ में, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनना, द यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू यूज इट गुड और अ बैड मैनर। इसका मतलब क्या कि जो भी चीज, जो भी कमोडिटी हम यूज करें चिल्ड्रन, राइट, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, है ना, मतलब वो खुद से सही गलत नहीं उसका अंदाजा लगा सकती, ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को किस तरह से यूज करना है, है ना। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, सी फॉर एग्जाम्पल नाइफ हैज यूटिलिटी फॉर हाउस वाइफ टू कट वेजिटेबल एंड फॉर अ किलर टू हार्म समबडी, है ना। देखो नाइफ एक चीज है, लेकिन हाउस वाइफ किस लिए उसे यूज करती है, ताकि वेजिटेबल्स को कट कर सके एंड ऑल, है ना। लेकिन किलर उसके लिए किस लिए यूज करेगा, ताकि किसी को स्टैब कर सके, किसी को हार्म कर सके, राइट। तो चीज एक ही है, ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से यूज करें, इसको हम सही में भी यूज कर सकते, सही तरीके से भी या फिर गलत तरीके से भी यूज कर सकते। लेकिन क्या नाइफ उसका खुद कंसिडरेशन है क्या, वो खुद बोल सकती है कि मैं ये करूँगी या इस तरह से कर सकती हूँ या उस तरह से कर सकती हूँ, नहीं, उसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड होगा। तो उसे कहते हैं एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब यूटिलिटी का कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, ये यूटिलिटी जो होती है वो न्यूट्रल होती है, आई बात समझ में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अब इसका मतलब क्या है इसको भी ध्यान से सुनना, पर्सन डिमांड कमोडिटी ओनली इफ इट गिव यूटिलिटी। हाँ, क्या बोला है कि भैया पर्सन को उस कमोडिटी की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी, मतलब जब वो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पाएगी। अगर वो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन, है ना। बीमार व्यक्ति के लिए उस जरूरत क्या होगी मेडिसिन की, तो इसीलिए उसके लिए जो डिमांड है मेडिसिन की वो बढ़ जाती है ना, इसीलिए वो डिमांड को, सॉरी, इसीलिए वो मेडिसिन को क्या करता है,
बाय करता है, राइट। लेकिन अगर समझो अगर वो उसको यूटिलिटी दे ही नहीं पाती तो क्या वो उसको बाय करता, सिक पर्सन मेडिसिन को बाय करता, नहीं बाय करता। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अब यूटिलिटी जो अलग है यूजफुलनेस से, कैसे देखो, अ कमोडिटी विच पॉजेस यूटिलिटी मे नॉट बी यूजफुल, है ना। जरूरी नहीं कि जो कमोडिटी आप यूज कर रहे हो वो आपके लिए यूजफुल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अ सिगरेट हैज यूटिलिटी फॉर स्मोकर बट इट डज नॉट हैव यूजफुलनेस एज इट इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या बताया है कि जो सिगरेट है उसकी यूटिलिटी स्मोकर के लिए होगी, जब स्मोकर उसे कंज्यूम करेगा तो उसकी जो तलब है, ठीक है, उसकी जो वॉन्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी चिल्ड्रेन, बट क्या वो उसके लिए फायदेमंद है? नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब यूटिलिटी जो है वो अलग है चिल्ड्रन प्लेजर से, प्लेजर मतलब हैप्पीनेस से। किस तरह से देखो, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर डिफरेंट। अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी बट इट कंजम्पशन मे नॉट प्रोवाइड प्लेजर हैप्पीनेस। अब आप बोलोगे सर यूटिलिटी क्या होती है, कि हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करे। अगर हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करे मतलब हमें खुशियाँ मिल रही है, तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि यूटिलिटी और प्लेजर जो है वो अलग है। जो कमोडिटी आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है वो जरूरी नहीं कि आपको हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एन इंजेक्शन हैज यूटिलिटी फॉर अ पेशेंट बट इट इज पेनफुल सो इट डज नॉट गिव प्लेजर। आई बात समझ में? क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई इंजेक्शन से जो आपकी डिजीज है वो तो क्या हो जाएगी, पेशेंट के लिए तो उसकी उसको यूटिलिटी मिल जाएगी इंजेक्शन से पेशेंट को, राइट। लेकिन क्या इंजेक्शन लेना पसंद है, इंजेक्शन लेने में मजा आता है, खुश होगे, बोलोगे हाँ और लगाओ हमें, नहीं ना, वो पेनफुल है। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि हर बार जो कमोडिटी आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करे वो आपको प्लेजर भी प्रोवाइड करे, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। अब यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन से अलग है, देखो, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन वेयर एज सेटिस्फेक्शन इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी क्या है? कॉज ऑफ कंजम्पशन, कि भाई हमें जरूरत क्यों है, हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। वही सेटिस्फेक्शन क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब एक बार जब मैं कंज्यूम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, राइट। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज द कॉज ऑफ थर्स्टी पर्सन एंड सेटिस्फेक्शन दैट थर्स्टी पर्सन गॉट फ्रॉम वाटर इज द एंड रिजल्ट, है ना। अब थर्स्टी पर्सन के लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है वाटर, तो वाटर उसके लिए क्या बन जाएगी? यूटिलिटी। लेकिन जब वो पानी पी लेगा तो वो कैसा फील करेगा? सेटिस्फाई फील करेगा, तो वो उसका एंड रिजल्ट है, राइट। तो इसीलिए यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन ये दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी क्या है? कॉज ऑफ कंजम्पशन है, और सेटिस्फेक्शन क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल, यानी कि क्या, अब यूटिलिटी को ना प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसा समझाऊंगा ध्यान से सुनना, सिंपल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली दैट इज इन नंबर, हाउएवर ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल, है ना। मतलब आप यूटिलिटी को कार्डिनल यानी कि नंबर में नहीं गिन सकते, लेकिन आप ऐसा ओरली आप मेजर उसको कर सकते, एक तरह से पॉसिबल है, आप ये समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, है ना। आप जो थर्स्टी पर्सन है तो क्या आप उसको उसने कितना पानी पिया इस पर नंबर में मेजर कर सकते हो क्या? नहीं मेजर कर सकते, हाँ, लेकिन आप ओरली बता सकते हो कि हाँ भाई आपने इतना पिया उतना पिया। एग्जैक्ट आप बता सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि कल उसने जितना पानी पिया था आज भी वो उतना ही पानी पिए, ये जरूरी है क्या? नहीं। तो इसीलिए कई बार क्या होगा चिल्ड्रन, कई बार ज्यादा लेवल की यूटिलिटी डिराइव होगी या फिर कई बार लोअर लेवल की यूटिलिटी डिराइव होगी, इसीलिए इसको नंबर में काउंट करना जो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट काउंट करना मुश्किल हो जाता है। वैसे आप ओरली बता सकते हो ढाई लीटर पिया, दो लीटर पिया, लेकिन कल जितना पिया था आज भी उतना पिया, ऐसा आप एग्जैक्टली बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो उसको कहीं ना कहीं जो मेजर करना जो चिल्ड्रन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, मतलब यूटिलिटी के बहुत सारे यूजेस होंगे। जैसे कि देखो, यूटिलिटी इज सेट टू बी मल्टीपर्पज बिकॉज एज अ कमोडिटी इट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई सेवरल वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, है ना। यूटिलिटी
अब कोई कोई कमोडिटी ऐसी होती है चिल्ड्रन जिसकी बहुत सारी यूटिलिटी होती है ना, वो ह्यूमन मन को सेटिस्फाई भी करती है, जैसे कि मिल्क, मिल्क चाय बनाने में भी यूज होता है, कर्ड बनाने में यूज होता है, आइसक्रीम बनाने में यूज होता है, राइट। तो मतलब एक कमोडिटी क्या कर रही है, बहुत सारे ह्यूमन मन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपर्पज। अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन है चिल्ड्रन, सी, इट कैन ऑल्सो सेटिस्फाई वॉन्ट्स ऑफ मोर देन 1% एट अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल हैव अ मल्टीपर्पज यूटिलिटी, है ना। और कोई कमोडिटी अगर एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों की वॉन्ट्स को भी सेटिस्फाई कर रही है तो भी उसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी कहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कोल, है ना, एक ही टाइम पे वो काफी सारे लोगों को सर्व कर सकती है, तो एक ही टाइम पे काफी सारे लोगों की जरूरत को पूरा कर सकती है, राइट। आई बात समझ में, तो इसीलिए यूटिलिटी जो मल्टीपर्पज, इसका दो एक्सप्लेनेशन है। ओके चलिए लास्ट देख लेते हैं, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ ऑन, मतलब यूटिलिटी किस पर डिपेंड होगी, आपकी इंटेंसिटी पे, कि आपको कितनी ज्यादा उस चीज की जरूरत है। देखो द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी और द अर्जेंसी ऑफ ऑन, एज द अर्जेंसी ऑफ ऑन डिक्लाइन द यूटिलिटी डिमिनिश, है ना। जितनी ज्यादा जरूरत है या कितनी ज्यादा जरूरत है उस कमोडिटी की, ये इस पर डिपेंड होगी आपकी यूटिलिटी। एक बार जब आपकी बॉन्ड डिक्लाइन होगी, जब आपकी जरूरत निकल गई, तो आपको उस चीज की यूटिलिटी भी उस चीज की खत्म हो जाएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ फूड इज हायर फॉर अ हंग्री पर्सन एंड यूटिलिटी डिक्लाइन विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हंगर। आई बात समझ में, जब बंदा हंग्री होगा तो उसके लिए यूटिलिटी ऑफ फूड जो है वो हायर होगी, एक बार जब वो खा लेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तब उसकी जो यूटिलिटी वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया चिल्ड्रेन? तो ये था यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। चलिए एक बार रिविजन देख लेते हैं। रिविजन किसके बारे में पढ़ा हमने, हमने पढ़ा यूटिलिटी और उसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी रिलेटेड है टाइम और प्लेस से। उसके बाद सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये सब्जेक्टिव है, जिसके लिए बनाई गई है उसके लिए होगी और ये अलग अलग होगी हर पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी का कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये पर्सन के ऊपर है उसको किस तरह से यूज करना है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी का बेसिस ऑफ डिमांड, ओके, यूटिलिटी बंदा कोई कमोडिटी कब खरीदेगा, जब वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी, जब ठीक है, तभी उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। उसके बाद यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी अलग है यूजफुलनेस अलग है, जैसे कि अल्कोहल सिगरेट, है ना, उससे यूटिलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी स्मोकर की, लेकिन क्या वो यूजफुलनेस है, नहीं, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी और प्लेजर दोनों भी अलग है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको इंजेक्शन का। उसके बाद यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी क्या होता है चिल्ड्रन, कॉज ऑफ कंजम्पशन, और सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एंड रिजल्ट ऑफ द कॉज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल, मतलब इसको कार्डिनली यानी कि नंबर में हम नहीं मेजर कर सकते। उसके बाद यूटिलिटी मल्टीपर्पज, यूटिलिटी का जो है मल्टीपर्पज यानी ऐसी कमोडिटी होगी जो बहुत सारे काम में आएगी, जैसे कि मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगा, कोल हो गया, है ना। उसके बाद यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ ऑन, यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है कि आपको उस चीज़ की जरूरत कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जरूरत होगी उतना उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, एक बार आपकी जरूरत पूरी हो गई तो यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया चिल्ड्रन, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।